नमस्कार आदाब, मैं हूं फरहान और एसपीएन 9 के इस खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। छत्तीसगढ़ में निकाय चुनाव हुए और भारतीय जनता पार्टी वहां दूसरे नंबर पर है। कौन होगा पहले नंबर पर, सोचने वाली बात है। कांग्रेस 923 सीटें जीती हैं निकाय चुनाव पर। अब प्रधानमंत्री मोदी की शायद वह लहर खत्म होती नजर आ रही है। इस दौरान हम बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री बघेल, इनकी हम बात कर रहे हैं और इन्होंने क्या कहा है। भूपेश बघेल इनका पूरा नाम है। इन्होंने क्या कहा है, उन्होंने कहा है पूरा जो देश है वह आर्थिक मंदी की राह पर जा चुका है, उसकी मार झेल रहा है, लेकिन उनकी सरकार की कारण जो उनकी नीतियां हैं उसकी वजह से छत्तीसगढ़ में आर्थिक मंदी का कोई भी असर नहीं पड़ा है। यह भूपेश बघेल का कहना है। अब उनकी इस बात में कितनी सच्चाई है यह तो आंकड़े बताएंगे, लेकिन हम आपको मौजूदा समय में यह बात भी बता दें, गिरती अर्थव्यवस्था को लेकर जिन राज्यों की भी बात सामने आई है अब तक उसमें छत्तीसगढ़ का नाम सामने नहीं आया है। मैंने छत्तीसगढ़ पर अभी कोई रिसर्च नहीं किया है, उसकी अर्थव्यवस्था को लेकर कोई रिसर्च नहीं किया है, लेकिन जितने रिसर्च मेरे सामने आए हैं अब तक मैंने कई कार्यक्रम किए हैं अर्थव्यवस्था को लेकर, लेकिन उसमें छत्तीसगढ़ का नाम सामने नहीं आया है। लेकिन इस पर भी हम रिसर्च करेंगे और भूपेश बघेल सच कह रहे हैं या झूठ कह रहे हैं उसका भी खुलासा करेंगे। लेकिन भूपेश बघेल की हम अर्थव्यवस्था को लेकर इस दौरान बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमने इस पर कोई रिसर्च नहीं किया है। उन्होंने जो बात कही है बहुत ही अहम बात कही है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ लोकसभा सीटों में जीत दर्ज की है छत्तीसगढ़ में। वह कारण बता रहे हैं ईवीएम मशीन को और कह रहे हैं कि ईवीएम मशीन जिस तरह हैक की जाती रही है वही कारण है कि छत्तीसगढ़ की लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है। लेकिन उन्होंने यह भी कहा है कि राज्यों के चुनाव भारतीय जनता पार्टी हार रही है और लगातार यह भी सवाल सामने आते हैं भक्तों के कि उस वक्त क्या हम ईवीएम की सेटिंग नहीं कर सकते। तो भूपेश बघेल ने उनको एक जवाब दिया है, इस जवाब में कितनी सच्चाई है इसका फैसला तो आप ही करेंगे, हमारे व्यूवर्स करेंगे, आपको ही अधिकार है और आपका ही फैसला सर्वोपरि होगा। उन्होंने कहा है कि लगातार चोर अगर बार बार चोरी करता है तो उस चोर की पकड़ हो जाती है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी मौजूदा विधानसभा चुनावों में ईवीएम की सेटिंग नहीं कर रही है, ईवीएम की हैकिंग नहीं कर रही है। हम इस पर कोई अपना स्पष्टीकरण नहीं दे रहे हैं, हम उनकी बात को हम सच नहीं मान रहे हैं और ना ही हम झूठ कह रहे हैं उनकी बात को। लेकिन इस बात में कितनी सच्चाई हो सकती है, क्या भूपेश बघेल जो ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं और जिस तरह लोकसभा की सीटों में जीत दर्ज करती रही भारतीय जनता पार्टी अब विधानसभा चुनावों में लगातार हार का सामना करना पड़ रहा है, तो क्या यही कारण है जो भूपेश बघेल कह रहे हैं कि लगातार चोर यदि चोरी करेगा तो उसकी चोरी पकड़ी जाएगी, इसलिए भारतीय जनता पार्टी अब यह चोरी नहीं कर पा रही है। तो इस संबंध में आपकी राय महत्वपूर्ण है, ईवीएम को लेकर अपनी राय अवश्य दें, कार्यक्रम को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तब तक के लिए इजाज़त चाहूँगा, नमस्कार।